स्मार्ट स्कूल। सोशल मीडिया पर एक नकली मैसेज काफी सर्कुलेट हुआ, जिसमें कहा गया कि जम्मू में कोरोना वायरस के एक मामले का पता चला है, जिसके बाद एसपी साउथ जम्मू सिटी विनय शर्मा ने दी अर्थ न्यूज से बात करते हुए बताया कि एक फर्जी मैसेज को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया। उन्होंने बताया कि फैक्ट मैसेज को सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मौसम फिर बिगड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 23 से 25 मार्च को जम्मू और कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में आज समाज सेवा सोसाइटी पुंछ ने कोरोना वायरस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, जिसमें लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और पैम्फलेट बांटे गए। इस अवसर पर बोलते हुए आयोजकों ने बताया कि उन्होंने इस अवेयरनेस प्रोग्राम को पुंछ जिले के दूर दराज में भी ले जाएंगे। हमने कोरोना वायरस से कैसे बचना है, इसके लिए अवेयरनेस हमारे कैंपेन चलाई है, उसके लिए हमने पंपलेट जो है वो बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, मास्क बांटे और मास्क अवेयरनेस हमारा प्रोग्राम है कि पोजिशन से जितने भी वार्ड हैं और जितने भी गांव हैं उनके सरकारी विभाग के पास हम जाएंगे और उनको भी पंपलेट देंगे कि आगे पब्लिक में बांटे। उसके जितने भी कौशल भाई हैं हमारे, उनसे भी हम कहेंगे इस मल्ले में तो उनका तक अभी तक ये संदेश नहीं पहुँच पाया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा दिए गए आदेश के बाद आज शहर में आवश्यक आपूर्ति वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद देखी गईं। आपको बताते चले कि डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने कल आवश्यक आपूर्ति वाली दुकानों से ग्रोसरी, केमिस्ट और मेडिकल शॉप्स को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का आदेश दिया था। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में बीजेपी ऑफिस के पास गिरे बम को आज सेना ने डिफ्यूज कर दिया। ये बम कल जिला पुंछ में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी के दौरान बीजेपी ऑफिस के पास आकर गिरा था, जो जमीन में नीचे चला गया था और किसी कारण से फट नहीं सका। एसएसपी जम्मू ने आज जम्मू में सोशल मीडिया पर एक नकली मैसेज सर्कुलेट होने के बाद एसएसपी जम्मू सिरधर पाटिल ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी जानकारी को पहले कंफर्म करने के बाद ही उसे सर्कुलेट करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी कोरोना वायरस मैसेज को फॉरवर्ड करता हुआ नजर आया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कस्बा अखनूर में भी कोरोना को लेकर कई सावधानियां बरती जा रही है। वहाँ के स्थानीय नागरिक भी जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं आज कस्बे में आवश्यक आपूर्ति वाली दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद देखा गया। प्रधानमंत्री की अपील का कस्बा अखनूर के निवासियों ने स्वागत किया है। कस्बे के अलग अलग वर्ग के लोगों ने अपनी राय देते हुए इस पर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो ये निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है, सभी देशवासियों को इसका समर्थन करना चाहिए। वहीं उप जिला अस्पताल अखनूर के बीएमओ अनिल शर्मा ने स्थानीय नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वो छोटी इलाज के लिए अस्पताल का रुख ना करें, बल्कि घर पर ही रहकर इलाज करवाएं। वहीं जिन्हें बहुत जरूरी हो वो लोग अस्पताल का रुख करें। वहीं उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपना ध्यान रखने की भी अपील की। या बुखार है, मैं यही कहना चाहूंगा सभी को कि उनको ये बोलो कि उनको जिसको जुकाम खांसी है कहीं से अगर मास्क मिलता तो लगा लो, अगर नहीं मास्क मिलता तो अपना एक धोया हुआ रुमाल भी आप इस्तेमाल करके उसको मुंह और नाक और मुंह को ढक सकते हैं। और 3 फीट की दूरी, मतलब 1 मीटर की दूरी जो जिसको जुकाम खांसी है उससे 3 मीटर की दूरी जो सही सलामत पेशेंट आदमी है जिसको इन्फेक्शन नहीं है उससे 1 मीटर की दूरी बना के रखेगा तो ये वायरस जो उसको इन्फेक्शन नहीं देगा। उसके बाद अगर फिर भी अगर किसी को जुकाम खांसी, उसका ये मतलब नहीं है कि उसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गई है, उसको हमने उसके लिए हमने अपने हॉस्पिटल में एक अलग से आइसोलेशन वार्ड, हमने 5-6 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड रखा कि अगर कोई ऐसा सस्पेक्टेड पेशेंट हमारे पास आता तो हम उसको वहां पे पूरी तैयारी के साथ हमने वो वार्ड बनाया हुआ है। हमारे मेडिकल स्टाफ जो है वो 24/7 उस पर हर पेशेंट पे नजर रख रहे हैं। मोर ओवर मैंने कलर कोडेड एक पर्ची जो हमें 10 रुपए की यहाँ से आजकल मिलती है, मैंने उसको पिंक कलर की पर्ची छिपाई है, उससे ये है कि एक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो पेशेंट है उनको अलग से एक ओपीडी में देखा जा रहा है। और हमारे जम्मू कश्मीर में रेप और चाइल्ड अब्यूज से जुड़े मामलों को फास्ट ट्रैक जजमेंट के लिए जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मंजूरी दे दी है। एलजी जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने आज पॉस्को केसेस से निपटने के लिए श्रीनगर, जम्मू, रियासी और कुलगाम में एक एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दी।
जिससे लंबित रेप और चाइल्ड अब्यूज के मामलों को जल्द से जल्द निपटा जाएगा। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने शुक्रवार को एक और एहतियातन कदम उठाते हुए शिक्षकों को ड्यूटी से दूर रहने का आदेश दिया है। सरकारी स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर असगर सामून द्वारा जारी एक ऑर्डर के अनुसार स्कूल शिक्षकों को अगले आदेश तक अपने काम पर जाने से मना किया गया है। आपको बता दें कि सरकार ने स्कूलों में पहले ही क्लास वर्क सस्पेंड किया हुआ है। लद्दाख में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है। दोनों मरीजों के टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत उन्हें आइसोलेशन वार्ड में स्थानांतरित कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने बताया कि सभी कोरोना वायरस पीड़ितों की हालत स्थिर है। जम्मू में डिप्टी कमिश्नर ने आज एक ऑर्डर इश्यू किया, जिसमें उन्होंने जम्मू के 10 रूट्स पर मेटाडोर और बसें बंद करने के आदेश जारी किए। हालांकि आदेश में 2 से 3 लोगों को बैठ ऑटो टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई है। वहीं इन 14 रूट्स पर SRTC की बसें चलती रहेंगी।